सपोज करो आपके पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें देखने में सेम है कि आपने यहां पर दो ब्लॉक्स लगाए M1 एंड M2। यहां पर आपने एक ब्लॉक लगाया M2, यहां पर ब्लॉक हटा के इक्वलेंट फोर्स लगाई, इक्वल फोर्स लगाई, ठीक है। कितनी फोर्स लगाई? M1g। कितनी फोर्स लगाई? जितना ये मास लगा रहा था। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका वेट क्या है? M2g। इसका वेट क्या है? M1g। ऐसे ही इस केस में इसका वेट क्या है? M2g। अब M2g बड़ा है M1g से, मैंने क्वेश्चन में दे दिया। तो इसकी एक्सेलरेशन तो वही सेम है जो हमने निकाला था अभी तक। क्या बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या होती है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या है? M1 प्लस M2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके इक्वल आएगी, राइट सही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन इस केस में निकालनी है। सेम रूल अप्लाई करते हैं, बड़ी फोर्स छोटी फोर्स। तो बड़ी फोर्स छोटी फोर्स, ये है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब टोटल मास में यहां तो दो बक्से लगे हुए हैं M1 M2, पर यहां पर तो एक ही लगा है। कितना? M2 ओनली, क्योंकि मास M1 तो है ही नहीं, तो कहां से लोगे मास? तो इसलिए इसका आंसर डिफरेंट आएगा और मास में सिर्फ M2 आएगा। आप कहोगे सर M1 जी में M1 छुपा हुआ है। देखो M1 F की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है, अब मास कहां से निकालो? जब है ही नहीं मास तो कहां से लगाओगे? वो डायरेक्ट फोर्स गिवन है। तो समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में दो मास है, एक में सिर्फ एक मास है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये केस है। अब इसके अंदर जैसे ये केस है, कोई कहता है कि नहीं मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो हमने शॉर्टकट लगा दिया, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ऐसे कर लो, ये देखो शॉर्टकट देख लो। सपोज करो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो फोर्सेस ड्रॉ करता हूं टी एंड टी, इसमें भी टी एंड टी, ऐसे। ये ब्लॉक मान लो नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? M2g माइनस टी इज इक्वल टू M2 इनटू ए, ठीक हो गया। ये ब्लॉक, या ब्लॉक है नहीं सॉरी, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो टी माइनस फोर्स M1g इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो तब तो लगाऊं, जब है ही नहीं तो लगाऊं क्या? तो मास की जगह जीरो। तो इसका मतलब टी यहां पर क्या आएगा? M1g। इस टी को उठा के यहां पे पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी? M2g माइनस M1g इज इक्वल टू M2 इनटू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला आएगा जो मैंने आपको शॉर्टकट करवाया। तो बेटर ये नहीं है, आप सीधा शॉर्टकट ही लगा लो, बात ही खत्म। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो कैसे इसमें आंसर मार्क करने, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, आपकी शीट नंबर 29 में ये मैंने लिखा हुआ है, सेम प्रूफ दिया भी हुआ है कि इसमें मास एब्सेंट है तो ये एक्सेलरेशन है, इसमें ये एक्सेलरेशन है, उसका प्रूफ भी दिया हुआ है मैंने कैसे। ठीक, तो यहां तक सबको क्लियर है?